आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकले की रेसिपी। अगर आपको ढोकला बनाते समय दिक्कतें आती है या आपका ढोकला बार बार बिगड़ जाता है या आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो ढोकले की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल में एक कप बेसन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कप बेसन के हिसाब से ढोकले की रेसिपी बता रही हूँ। तो आप मैंने इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी है, या आधा चम्मच नमक और ये 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल दी है। अब हम इसमें मिला देंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें आधा चम्मच साइट्रिक एसिड पाउडर मिला दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बेसन का घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बेसन का घोल बना लेंगे। तो एक साथ पानी डालने से बेसन में गुठलियाँ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। तो हाँ, आपके पास अगर साइट्रिक एसिड पाउडर नहीं हो तो आप एक नींबू का रस डाल दीजिए, वो भी साइट्रिक एसिड का ही काम करता है। तो यहाँ पर हमें बैटर इस तरीके से चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। तो बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से एक ही फ्लो में गिरना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बेसन का जो घोल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार है, एकदम परफेक्ट तरीके से। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे, इससे हमारा जो ढोकला है वो काफ़ी अच्छे से फूलेगा। अब यहाँ पर मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह पर एक कीनो का पैकेट डाल दीजिएगा, उससे भी जो हमारा ढोकला है वो काफ़ी अच्छे से फूलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन का घोल है वो बन के तैयार है। इस तरीके से हमें बेसन का पतला घोल बना लेना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से एक ही फ्लो में गिरने वाला। तो यहाँ पे मैं आज एक पतीले में ढोकला बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छे से पूरे पतीले में लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप ढोकला स्टीम करने के लिए इसकी जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरे पतीले में अच्छे से तेल लगा लिया है, अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। तो आज मैं आपको कुकर में ढोकला स्टीम करके बताने वाली हूँ। तो मैंने 5 मिनट पहले ही कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने एक छोटा सा ढक्कन रख दिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर अब मैंने ढोकले का जो बैटर है वो रख दिया है। तो यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा लूँगी। तो कुकर का ढक्कन लगाने से पहले हमें जो कुकर के ऊपर की सीटी है उसको निकाल देना है। तो अब हम ढोकले को 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। तो 20 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। वाव, यहाँ पर हमारा ढोकला देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसके अंदर एक टूथपिक डाल के देख लेंगे। तो ढोकला यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है, अब हम इसके लिए तड़का बना लेंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। तो राई को यहाँ पे अच्छे से तड़कने देंगे। तो राई यहाँ पे अच्छे से तड़कने के बाद इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च बीच में से कटी हुई डाल देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल दूँगी। करी पत्ते डालने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्च और करी पत्ते अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम चीनी मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ पर पानी को उबालने के बाद इसमें हम नींबू का रस मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 नींबू का रस मिला रही हूँ। अब पानी को अच्छे से उबालने देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो ढोकले का पानी है वो बनके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है। अब हम ढोकले को निकाल लेंगे थाली में। तो उसके पहले हम इसके किनारे चाकू की सहायता से छुड़ा लेंगे। अब हमने इसको एक थाली में निकाल लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ढोकला है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट और फूला फूला बना है।
तो ये ऊपर से ही जितना अच्छा दिख रहा है तो अंदर से भी ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना अच्छे से स्पॉन्जी बना है। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छे से जालीदार बना है हमारा जो ढोकला है। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर तड़के का पानी डाल देंगे, तो पानी थोड़ा गुनगुना ही होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर तड़के का पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ढोकले के पानी को पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद हम जो ढोकले का बचा हुआ पानी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा ढोकला कितना अच्छे से बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बन के तैयार है ना मार्केट जैसा। तो आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।